मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हूँ जिसका नाम है संज्ञा। तो दोस्तों, ये संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और उसकी जो हम संधि करेंगे तो संज्ञा प्लस सम प्लस ज्ञा, मतलब कि संज्ञा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और इसकी जो हम संधि करेंगे तो सम प्लस ज्ञा यानी कि संज्ञा। तो संज्ञा शब्द की जो परिभाषा है वो क्या है? तो आइए हम यहाँ पे मैंने जो संज्ञा की परिभाषा लिखी है वो हम देखते हैं। तो पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि का बोध कराता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, व्यक्ति में किसी को भी ले लो, जैसे कि गांधी जी, वीर भगत सिंह, नरेंद्र भाई मोदी, तो कोई भी व्यक्ति को ले लो, मुझे भी ले लो, आप अपने आप को भी ले लो, कोई भी व्यक्ति। वस्तु, वस्तु में आप ये चौक को ले लो, ये बुक को ले लो, तो वस्तु में कोई भी वस्तु आ सकती है। तो संज्ञा का मतलब है कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि का बोध होता है तो उसे हमें क्या उसे संज्ञा का नाम देंगे। तो ये पहली जो परिभाषा है आप देख लो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का बोध होता है हमें उसके उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा का नाम देंगे। तो संज्ञा के तीन प्रकार है, वो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और है भाववाचक। संज्ञा के कितने प्रकार है? तीन प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक है भाववाचक। तो यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जो शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी और विशेष स्थान आदि का बोध कराता है। जो शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति में आप सरदार भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, तो ऐसे विशेष कोई भी व्यक्ति को ले लो। विशेष वस्तु, तो विशेष वस्तु में आप कंप्यूटर को ले लो, क्योंकि कंप्यूटर में हम सारे डेटा सेव कर सकते हैं, हम अपनी जो कलम है उसको भी विशेष वस्तु में ले सकते हैं। और ये मोबाइल, तो मोबाइल में हम पूरे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये भी विशेष वस्तु में आ सकता है। विशेष प्राणी, तो विशेष प्राणी में एरावत, एरावत आपको पता है जो हाथी है वो किसका वाहन है? इंद्रदेव का। ये चेतक, चेतक किसका घोड़ा था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो ये जो घोड़ा है और हाथी ये है विशेष प्राणी। तो ये राष्ट्रीय है विशेष स्थान, विशेष स्थान में हम ताजमहल को ले सकते हैं, दिल्ली को ले सकते हैं, आगरा को ले सकते हैं, अहमदाबाद को ले सकते हैं। तो ऐसे विशेष स्थान की बात जहाँ पर होगी तो उसे हम कौन से संज्ञा का नाम देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा, किसी वस्तु का नाम दिया होगा, किसी प्राणियों का नाम दिया होगा, किसी जगह का नाम दिया होगा। तो ऐसी संज्ञा जब आएगी तो हम उसे कौन सा नाम देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के फिर से दो पेटा प्रकार है। तो एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये जो संज्ञा है, संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। ये उसकी जो परिभाषा है, परिभाषा ये है कि जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव,
भाव, स्थान आदि का बोध कराता है, तो हम उसे संज्ञा का नाम लेंगे। इसके दो तीन प्रकार है, तीन प्रकार ये है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और ये है भाववाचक। उसके दो भिन्न प्रकार है जातिवाचक के, समूहवाचक है और द्रव्यवाचक। और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। ये जो तीन भेद है तो उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी हमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानना है और ये भाववाचक संज्ञा के बारे में जानना है। तो आइए हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? जो शब्द किसी संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य मनुष्य के अंदर हम अपने कोई भी आदमी को ले लो, महिलाओं को ले लो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि एक आदमी की बात हुई है। यहाँ मनुष्य यानी कि एक से ज्यादा और किता, यहाँ पे किता बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि ये कौन सी किताब की बात हुई है। यहाँ पे किता लिखा है यानी कि कोई भी किताब हो सकती है। और दूसरा ले लो फल, बच्चे फल खा रहे हैं, तो ये जो फल है लेकिन कौन सा फल खा रहे हैं वो नहीं बताया है यहाँ पे, लेकिन फल की बात हुई है तो बच्चे फल खा रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा चीज की बात यहाँ पे बताई है। तो जब संपूर्ण जाति का बोध होता है यानी कि कोई भी समूह का समूह के बारे में हमें बताएंगे तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें पूरी जाति का और समुदाय का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मनुष्य, किताब, फल, पेड़, पेड़ को भी ले सकते हैं, पर्वत को ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि एक ही पेड़ के बारे में, एक ही फल के बारे में, फल यानी कि एक से ज्यादा फल। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। चलो दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव का मतलब है एक महसूस करना, जैसे कि खुशी, तो खुशी को हम बयां कर सकते हैं, खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन खुशी को हम छू सकते हैं नहीं? खुशी को हम छू नहीं सकते लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। वैसे दुख, जब हमारी लाइफ में हम कभी दुखी होते हैं तो हम उसे
महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। वैसे सफलता, अगर हमें अच्छी सफलता मिले तो हमें कितनी खुशी होती है, वैसे ही हम सफलता को छू नहीं सकते लेकिन सफलता को महसूस कर सकते हैं। तो ये है भाव। तो आइए ये जो भाव की जो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुण दोष अवस्था किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुण दोष अवस्था के बारे में जानकारी देता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा का नाम देंगे। तो भाववाचक संज्ञा में कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, जैसे कि खुशी, सफलता, अच्छाई, तो ये सब कैसे है भाव। भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। ये जो मनुष्यता है ये भी एक भाव है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होंगे आप कि मनुष्यता कैसे भाव हो सकता है, लेकिन मनुष्य, मनुष्य यानी कि एक इंसान, लेकिन मनुष्य एक इंसान है लेकिन मनुष्यता, उसके अंदर जो मनुष्यता है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ये मनुष्यता, अच्छाई, सफलता, खुशी, ऐसे शब्द जब हमें वाक्य में दिए हो तो उससे हमें पहचान सकते हैं, उससे हम मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा हो सकती है। तो जब ऐसे शब्द हमें वाक्य में लिए हो तो हमें कौन सी संज्ञा का नाम देना है, भाववाचक संज्ञा का नाम देना है। तो हमने तीन संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। अब चौथी जो संज्ञा है वो कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी अभी के बारे में
घन, प्रवाही, पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे शब्द आएंगे, जैसे कि घन में घन पदार्थ, घन में सोना, चांदी, पीतल, ऐसे शब्द घन पदार्थ में आएंगे। और प्रवाही, उसमें हम जल को ले सकते हैं, दूध को, और पदार्थ में जैसे कि खाने की चीजें, चावल, गेहूं, दाल। घन में हम कौन कौन से शब्द ले सकते हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबू। प्रवाही में जल, दूध। पदार्थ में चावल, गेहूं, दाल, तेल, ऑयल, वो सब हम किसके अंदर ले सकते हैं, पदार्थ के अंदर। तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको पूरा समझ आया होगा कि ऐसे शब्द जब वाक्य में दिए हो तो हम उसे कौन सी संज्ञा का नाम देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम देंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, जिस शब्द से हमें किसी समूह का यानी कि एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा चीजें, ऐसे शब्द जब हमें सेंटेंस में दिए हो तो उसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा हो सकती है। जैसे कि सैनिक को ही ले लो, या हम जो सैनिक होते हैं तो वो एक से ज्यादा होते हैं, सब मिलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो ये सैनिकों की टोली, गाय, तो गायों का जो झुंड होता है वो, तो ऐसे शब्द जब दिए हो तो वो कौन सी संज्ञा हो सकती है, समूहवाचक संज्ञा। हमारी कक्षा को ले लो, कक्षा में एक से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। स्कूल को ले लो, स्कूल के अंदर एक व्यक्ति से स्कूल नहीं चलती, स्कूल के अंदर सब स्टूडेंट्स, टीचर्स, वो सब मिलकर स्कूल को स्कूल चलती है। तो ऐसे शब्द जब आएंगे तो हम कौन सी संज्ञा का नाम देंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे कक्षा ले सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं यानी कि शाला, सैनिक, परिवार को भी ले सकते हैं क्योंकि परिवार में एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, हॉस्पिटल को ले सकते हैं, परिवार में, हॉस्पिटल में, और ऐसी ऐसे शब्दों से हमें एक से ज्यादा चीज की बात बताई जाती है, एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, जैसे कि समूह। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। तो अगले वीडियो में हम उसके एग्जांपल देखेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आया हो जो संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, प्राणी, चीज, स्थान, भाव आदि का बोध होता है।
वस्तुओं के बारे में बताया, प्राणियों के बारे में बताया और व्यक्तियों के बारे में बताया। तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की संज्ञा है। लेकिन ये संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी कि कोई भी सेंटेंस में व्यक्ति का नाम दिया हो तो उसे हम संज्ञा का नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये शब्द हो तो ये कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा। और जिसमें भाव प्रकट हुआ हो तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो मुझे आशा है कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें मैंने जो समझा, मेरा जो इरादा है आपको ये संज्ञा के बारे में समझाना, तो ये आप समझ सके होंगे। थैंक यू।